हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10 समझाऊंगी। ये क्लास 8th चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003। साल 2003 में पॉपुलेशन इंक्रीज होके 54,000 हो गई एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। हमें इसके अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज निकालना है, बट क्योंकि ये इंक्रीज कंपाउंडेड हो रहा है तो हम इसको एज अ मनी कंसिडरेशन लेके अगर करेंगे तो भी ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आराम से सॉल्व होता है। तो देखिए, यहाँ पे 3 साल हैं, एक 2003, एक 2005, क्योंकि पॉपुलेशन उसने 2005 की भी पूछी है, और 2001। तो पॉपुलेशन हमको 54,000 2003 की दी है और हमसे पूछा गया है कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी और 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो अगर मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन से रिलेट करूं तो इसका मतलब ऐसा प्रिंसिपल निकालो जो बढ़ के 54,000 हो जाए। इसका मतलब ये पार्ट प्ले कर रहा है अमाउंट का। अभी हम सिर्फ 2001 से 2003 को डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, और सेकंड क्वेश्चन के पार्ट के लिए फर्स्ट के बाद करेंगे। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है जो बढ़ के 54,000 हो जाए और रेट ऑफ ग्रोथ 5% पर एनम रहेगी, और टाइम पीरियड क्योंकि 2001 से 2003 2 साल है तो टाइम पीरियड हमारा 2 इयर्स हुआ। तो बेसिकली हमें 2003 का ये जो 54,000 दिया है वो हमारा अमाउंट बन रहा है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में अमाउंट लिखिए आप 54,000, P be the population to be calculated, आप ये लिख सकते हैं, let P be the population to be calculated, और rate हमारा 5% है और time period हमारा 2 years है। तो हम formula लगाते हैं, amount equals to P into 1 plus R upon 100 पावर एन। एन इज अ नंबर ऑफ इयर्स, तो टाइम पीरियड हो गया। तो ये तो हमें निकालना है। तो हमारा अमाउंट दिया है 54,000 और यहाँ पे आर है 5 पावर 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 54,000 इधर ही लिखे रखेंगे पी, और ब्रैकेट के अंदर हमारा आया था 1 प्लस 5 अपॉन 100। इसको राइट में थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 को काट लीजिए, 10 से 20 टाइम्स जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 20, एलसीएम 20 लीजिए, 20 प्लस 1, 21 बाय 20, तो ये हो गया 21 बाय 20। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 54,000 इक्वल्स टू पी इंटू 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20। अब देखिए, ये बन गई एक सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन। अब हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रहे हैं 54,000, तो 20 ऊपर आ जाएगा और 21 इंटू 21 नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बन जाता है और इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं जितना कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 3 से कट करेंगे, तो ये नंबर होगा 3 1 3, तो ये 24 हो गया, तो ये 8 हो गया, 1800 हो गया, 18,000, और ये यहाँ पे भी 3 से कट हो जाएगा, तो ये 6,000 हो गया। अब इसके अंदर ये नंबर जो है हमारा थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं आएगी, उसके लिए हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ती है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6
इंटू टू 12, 12 इंटू टू 24, तो ये हो गया हमारा 24। और नंबर ऑफ जीरोस गिनने पड़ेंगे हमें, 1, 2, 3, 4, 5, तो बहुत ही ध्यान से जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ताकि एक भी जीरो कम या ज्यादा ना लग जाए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन का मदद लेनी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे लिखिए आप 49। अब 49 24 में तो जाता नहीं है, तो हमें 240 में देखना पड़ेगा। अब अप्रोक्सीमेट टेबल पड़ी है, 4 की 24 में जाएगी अराउंड 6 टाइम्स, बट उससे एक आप कम ले लीजिए, तो 49 इंटू 5 करेंगे, तो ये हो गया 45, ये हो गया 20, सो 245, ये भी एक्सीड कर रहा है, तो ये इंटू 4 ही जाएगा। तो हम कर लेते हैं 49 इंटू 4, 4 9 36, ये हो गया 16, 17, 18, 19, 196, तो 196 से गया, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 4 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, ये 4 हो गया, एक 0 नीचे ड्रॉप डाउन लाते हैं। अब 440 है, तो 440 में 4 की टेबल, अब 44 में तो 11 टाइम जाएगी, 490 तो 10 से ही हो जाएगा, तो आप इसको 8 से ट्राई कर सकते हैं। 8 9 72, यहाँ पे 7 हो गया, तो ये 32 + 7 392 आ जाएगा। 9 से अगर आप करेंगे, 49 इसमें ऐड करेंगे, देख लेते हैं कि जाएगा कि नहीं। 49 इंटू 9, 9 9 81, और ये हो गया 36, ये हो गया 441, एक नंबर से एक्सीड कर गया, इसलिए हम 8 से करेंगे। 392 माइनस कर देते हैं, ये 10 हो गया, 8 ये 3 बच गया, 13 हो गया, ये 4 480। अब हमारा 9 वाला नंबर काम आ सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है, 441 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो गया 10, 9 तो 7 में से 4 गया 3। चलिए अब एक और अपना जीरो नीचे ले लेते हैं, 392, 8 से तो एक्सीड कर जाएगा, तो 49 इंटू हमें 7 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अभी हमने करा नहीं है कभी भी कहीं भी, तो 7 9 63, ये 6 आ गया, 4 7 28, उसमें ऐड कीजिए 6, तो 343, तो ये 7 से जाएगा 343, तो ये 10 हो गया, यहाँ पे 7 बच गया, 8 47, और ये आखिरी जीरो नीचे आ गया है 470, इनमें से नंबर आप ढूंढ सकते हैं कौन सा जाएगा, 9 से जा रहा है, तो ये हाँ हो गया आपका 441। सब्ट्रैक्ट करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्ट करके आता है ये हो जाएगा 10, तो ये 9 6 29, तो अप्रॉक्सीमेटली आप एक डेसिमल प्लेस और निकाल लीजिए, 290 है, 245 5 से जा रहा था, तो ये 5 हो गया 245, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 45, तो ये 450 हो गया। दो डेसिमल प्लेसेस तक हम रेकमेंड करते हैं, सो यहाँ पे हो गया 9 से चला जाएगा ये 441, तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमने डिवीजन किया उसका आंसर ये आ रहा है। अब अगर हम पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधे लोग होंगे और पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम डेसिमल को इस नंबर के अंदर इग्नोर करेंगे। जैसे 0.59 आया, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करके 48,979 पॉपुलेशन रही होगी 2001 में। तो इसका कैलकुलेशन ऐसा करते हैं, जब डेसिमल के बाद एक्स्ट्रा आ जाता है और इररिलेवेंट होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। तो ये तो रहा इसका फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। अब आइए हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जिसके अंदर ये कहता है कि 2003 में पॉपुलेशन है 54,000 और आपको 2005 में पॉपुलेशन निकालनी है। तो इसके अंदर क्योंकि इसके ऊपर ग्रोथ हो रही है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और हमें बेसिकली अमाउंट निकालना है, और रेट हमारा 5% है, टाइम हमारा 2 ईयर्स है। तो आइए निकालते हैं,
अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन, तो ये हुआ 54,000। 1 प्लस आर हो गया हमारा 5% होल पावर 2। इसको कट कर लेते हैं, जैसे मैंने काफी सारे वीडियोस में बताया है 1 प्लस 1 बाय 20 को आप अलग से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 21 बाय 20 आएगा, 1 बाय 20 है, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, इसका होल स्क्वायर है, सो दिस इज 54,000 इनटू 20 प्लस 1, 21 बाय 20 होल स्क्वायर, तो ये 54,000 इनटू 21 बाय 20 इनटू 21 बाय 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, दो जीरो काट लेते हैं, 2 से इस नंबर को कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, फिर 14 हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका रिमाइंडर बचेगा ना यहाँ पे 1, उसको इसके साथ एसोसिएट कर लीजिए 10, तो ये 135 हो जाएगा। तो ये 135 इंटू 21 इंटू 21, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 135 इंटू 21 इंटू 21, अगर आपको 21 का स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, 21 इंटू 21 441 होता है। इस कैलकुलेशन को हमें अपने रफ साइड में करके देखना पड़ेगा, 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20, 2 कैरी ओवर, 5 फोर जा 20, एड 2, 22, फिर 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12, 1 कैरी ओवर, 3 फोर जा 12 और एड 1, क्योंकि ऊपर कैरी ओवर आया ना, तो 13, देन 1 से है तो सेम नंबर रिपीट हो जाएगा, तो ये काफी आसान हो जाता है, 5, 3, ये 5, 7, 8, 9, तो ये हो गया आपका 59,535। तो अगर आपकी पॉपुलेशन 2003 में 54,000 है, सो इन ईयर 2005 द पॉपुलेशन बिकम्स 59,535, so this is the answer। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन बिलो। ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.studiestoday.com फॉर फ्री स्टडी मटीरियल लाइक सैम्पल पेपर्स, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, वर्कशीट, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.